अनपढ़ की दो आंखें होवे, पढ़े लिखे की होवे चार। हमारे गांव में है ये कहावत, सुनिए कि नहीं? नहीं तो हम सुनाते हैं ना आपको। अब आप कहेंगे कि हम कौन? हम हैं नंद घर। हाँ, यही जो रंग बिरंगा है, बच्चों की हंसी से भरा है, बाड़मेर का नंद घर है हम, यानी आंगनवाड़ी। ऐसे टुकुर टुकुर ना देखिए इन बच्चों को। यहाँ मेरे द्वारे टिंकू पिंकू रिंकी बबली सब आते हैं रोज सुबह। हाथी राजा का चले, चूंद गरी का चले, मेरे घर पे आओ ना, हलवा कूड़ी खाओ ना। अंदर तो आइए, आपको मिलवाते हैं एक खास व्यक्ति से। हाँ, वही है जिनके आसपास ये बच्चे ऐसे मंडराते हैं जैसे फूल पे मधुमक्खियां। ये है हमारी यानी नंद घर की कर्ता धर्ता पीपली जी। नंद घर से पहले मतलब आंगनवाड़ी थी, उसी टाइम तो मतलब इतने बच्चे भी नहीं आ रहे थे, और अब ये नंद घर बना तो ये एक नया हो गया, बच्चे भी आने शुरू हो गए। 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं, उनको खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। छोटे बच्चे तो स्कूलों में भी नहीं जाते थे और घर पे कहाँ पढ़ाई थी। अब ये नंद घर बना तो बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब बच्चों के लिए, बच्चे मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी लग रहा है कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई होती है, और पेरेंट्स भी देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिलता है। अब ये नंद घर बनने के बाद किशोरी बालिकाएँ महिलाओं से बहुत जुड़ा हो गया, और पहले किशोरी बालिका की बैठक भी नहीं होती थी, अब वो बैठक भी होने लग गई, और इनकी जो सुविधाएं है, और ये इतना अच्छा नंदघर बना है तो उनका मतलब यहाँ आने का मन लगता है। पहले ऐसी नहीं थी हमारी पीपली जी, घर ही घर में रहती थी, खिड़की के बाहर उनके सपने थे और आंखें खिड़की के अंदर। धागे पे धागा रख के एक एक टांका लगा के बुनती थी ये सपने, आंगनवाड़ी के सपने। लेकिन इनको ना जगह मिल रही थी और ना ही किसी का साथ। भाई समस्या थी बड़ी मुश्किल, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां ताला है वहां चाबी भी होगी। वो चाबी लेकर बाड़मेर पहुंच गया वेदांता, और इसी के साथ वेदांता के अनिल अग्रवाल जी का सपना भी सच हो गया था, बन गया था नंद घर। सुनी हमारे यानी नंद घर के जन्म की कहानी? रुकिए रुकिए, पढ़ाई में क्या मजा होता है अभी दिखाते हैं आपको। हाँ, वो बड़ा सा टीवी दिख रहा है ना, उस पे भी पढ़ाई होती है। देखो कैसे कैसे नई नई कविताएं, सुंदर सुंदर कहानियां सब चल रही हैं उस पे। खाना पीना होता है, मौज मस्ती होती है, खेल कूद होता है, और होती है दिल लगा के पढ़ाई। बच्चे सबसे ज़्यादा तो ये जो झूले है और जो खिलौने हैं और ये जो टीवी है, इसमें जो कविताएं वगैरह देखते हैं बच्चे, तो बहुत ही खुश होते हैं। नंद घर में बहुत अच्छा लगता है, असली जिनकी रानी है, जीवन उसका पानी है। हाँ लगा तो डर जाएंगी, बाहर निकालो तो मर जाएंगी। नंद घर के आ जाने से इस गांव के बच्चों को बहुत फायदा हुआ है, वो नई नई चीज़ें सीख रही है। पहले टाइम बच्चे 5-6 साल के होते थे, तभी तक उनमें इतना ज्ञान नहीं होता था जो अभी 1.5-2 साल तक आ जाता है। बहुत बढ़िया, मेरा सीना और सब छोड़ा होता कि मेरी बहू इतना बढ़िया काम कर रही है, कार्य कर रही है और बच्चों को बढ़िया पढ़ा रही, वो और अच्छा है। हमारी पीपली जी की हिम्मत तो देखिए, औरतों को सिलाई करना सिखाया इन्होंने, वो लेकर आई हैं बाड़मेर में एक बहुत बड़ा बदलाव। ऐसी ही एक और कहानी सुनाते हैं आपको, जिसकी नायिका है पावनी जी। उन्होंने भी अपनी एकदम अलग और आत्मनिर्भर पहचान बनाई है।
बाहर महिलाएं जाती नहीं थी, ये नंदगढ़ के थ्रू सिलाई वाला टेंटर दे रखा था, उसे हमने 3 महीने की ट्रेनिंग ली, फिर उसे हमारे को 10,000 का लोन दिया, उसे मशीन लेके मैं अभी वो रोज़गार कर रही हूँ मशीन वाला। ये नंदगढ़ के थ्रू और ये SHG के समूह बनाने के थ्रू भी महिलाएं बाहर जा रही है और अपना काम अपने पैरों पर खुद कर रही है, अपने हस्बैंड को वो सपोर्ट भी कर रही है। जैसे मेरे घर का था पहले, तो शुरू में मैं ट्रेनिंग पे जाती थी तो मेरे 2 ही रूम थे, तो मैं ये सोच रही थी कि सबके बने हुए मकान मेरे कब बनेंगे। तो जैसे ये मकान आप देख ही रहे, इनमें भी मैंने बहुत सारी मेहनत करके इनका सपोर्ट किया है। खुद आत्मनिर्भर हो रही है इसलिए मेरे को भी संबल मिल रहा है ना, बराबर का सपोर्ट है, बराबर की भागीदारी निभा रहे। नंदगढ़ ने पीपली जी और पावनी जी के साथ साथ बाड़मेर की महिलाओं में ऐसा आत्मविश्वास भर दिया है कि अब वो खुद घर से बाहर निकलती हैं, अपने लिए रोजी रोटी कमाती हैं और वो देखिए एकदम सर ऊंचा उठा के चलती हैं। हाँ, वेदांता उनके इस हौसले को, इस जज्बे को करता है सलाम। वो क्या कहते हैं, अगर आंख में सपना हो तो ना घूंघट उसको रोक पाता है ना कोई खिड़की। सच कही ना।